फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी जो बिना तले बिना भिगोए हम बनाएंगे ब्रेड के दही भल्ले। दाल से बनाते हैं आप तो उसको पहले भिगोना, फिर पीसना, फिर तलना, तो ये भी फटाफट 10 मिनट में बन जाते हैं। इसके लिए हमने व्हाइट ब्रेड ली है, 4 पीस ब्रेड है, मीठी चटनी बनाई है इमली की, इसकी वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, हमने डाली हुई है। खट्टी चटनी है ये धनिए की, दही, थोड़ा सा दूध, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पुदीना पाउडर, नमक थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर। ब्रेड के जो ब्राउन वाले कोने हैं इनको हमने काट लेना है, पतला पतला इस तरह से इसके कॉर्नर हटा देंगे, इस तरह से सारे पीसेस के कॉर्नर हटा दें। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं दही भल्ले और 10 मिनट में फटाफट बन जाते हैं। आपके घर कोई मेहमान आए, फटाफट आपको कुछ ना सूझे तो आप जल्दी से ये दही भल्ले बना सकते हो। ब्रेड के कॉर्नर काट लिए हमने, अब इसको हमने दूध में डिप करना है। इस तरह से दूध में डिप कर दें और निचोड़ के इसका गोला बना लें, जैसे भल्ला बनाते हैं हम उसी तरह से इसका अच्छे से निचोड़ दें। इस तरह से ये गोला बना लेना है। हमने इसके दही भल्ले बना लिए हैं, गोल गोल इसके बॉल बना लिए। अब इसमें हमने दही डालना है, इस तरह से चम्मच भर के। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। डालेंगे इसमें नमक, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये, पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल देंगे खट्टी चटनी, इस तरह से डाल दें। अब मीठी चटनी, एक बार जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और आपने देख ही लिए कितनी जल्दी फटाफट तैयार हो जाते हैं। अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तो लीजिए हमारे ब्रेड के दही भल्ले खाने को तैयार हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, खा के जरूर देखें, ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।